हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। और आज मैं 10th क्लास के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 का है। तो जो भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर में लेकर आई हूँ। और ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये जो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये पेपर आपका 2020 का है। और इसमें जो टोटल पेजेस है वो 15 है, जो भी है। और ये आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप 2020 में घर बैठे अपने HP बोर्ड का जो 10th क्लास के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके प्रिपरेशंस कैसे करें। ओके, तो मैं आपके लिए सबसे पहले ये क्वेश्चंस बड़ी मुश्किल से मैंने कलेक्ट किए हैं, तो मैंने सोचा पहले इनका पीडीएफ बना के पहले आपको शो कर देती हूँ। इसका अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस रखो और बस डिपेंड रहो। ये मत सोचो कि ये चीज़ है, कोरोना वायरस है, या घर पे हो आप, इतना टाइम है, बुक्स लो, थोड़ा बहुत कोई ना कोई जानता ही होगा आपके एरिया में, या जो भी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन का आपका बता देती हूँ। यहाँ पर ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें और ये सीरीज बी है आपके पास। और सबसे पहले इसमें जो आता है वो आपका कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं, ये कॉम्प्रिहेंशंस आया हुआ है इसमें। तो इसमें आपने इसको रीड करना है। और इसी में से क्या है, आपने ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, सॉरी। ये देखिए, ये आपका कॉम्प्रिहेंशंस आया हुआ है। ओके, तो इससे प्रीवियस वाला मैं लेकर आती हूँ। तो कॉम्प्रिहेंशंस में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो भी उस क्वेश्चन पे पूछा हुआ है वो आपने, जो आपके पास कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसी से ही आपने आंसर्स देना होता है। भले ही उस पैराग्राफ में वो फैक्ट जो है गलत हो, बट आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने उसका आंसर्स देने होते हैं। ये नहीं करना होता है कि आपके जो ये पैराग्राफ है इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है वो शायद गलत लिखी हुई है, यानी कि जो रियल लाइफ में नहीं सही है, और आप अपना जो है अपने से अपना आंसर दे रहे हो इंग्लिश में, यानी कि पैराग्राफ में, तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए एक ही चीज़ है, आप इसको रीड करिए अच्छे से, और इसी से ही, चाहे उसमें वो गलत लिखा हो, पैराग्राफ में जो चीज़ लिखी है उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या है उसका आंसर देना होता है। तो पैराग्राफ का मैंने ये टिप्स दिया है आपको। और उसके बाद हमारे पास ये इसके क्वेश्चंस रहे। वाई, पहला क्वेश्चन जो है, वाई डू द पीपल सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स, हाउ डिड द एशियंट रोमांस कन्वे देयर ग्रीटिंग्स, what changes were brought about the introductions of a postal stamp and envelopes. Okay, तो अच्छे से ध्यान से आपने इसे रीड करना है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। Who introduced the practice in India? What is the meaning of the word as per the passage gratitude and convenient? Okay, read the passage given below and answer the questions that follows. And second question आपका जो है, एक passage है आपके पास और उसको read करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का है, और सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी आपका पैराग्राफ है। यहाँ इसे ध्यान से इसे रीड करिएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखिए, वीडियो को स्टॉप कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाई डिड द ओल्ड वुमेन मूव टू एन ओल्ड एज होम, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने पेपर के प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये आपका जो क्वेश्चन जो है वो आपके आ जाता है 10 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका आता है राइटिंग। राइटिंग में आपके पास ये देखिए, यहाँ पर ग्रामर जो भी है आपका उससे रिलेटेड आ जाएगा। अमित कनिका इज स्टूडेंट ऑफ एबीसी स्कूल हिमाचल प्रदेश, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू शिमला, एप्लीकेशंस बोला है यहाँ लिखने के लिए। तो आप किस तरीके से प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर और करके दिया हुआ है, यानी कि या तो आप थर्ड क्वेश्चन में से पहला आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, या आप दूसरा और करके, योर रिसेंटली विजिटिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यू आर शॉक टू सी द पुअर स्टेट ऑफ सैनिटेशंस, राइट टू अ लेटर ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ हेल्थ डिपार्टमेंट, यानी कि एप्लीकेशंस है, दोनों से कोई एक आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, अटेम्प्ट करना है। तो ये जो आपका है ये आपका 7 मार्क्स का है। ठीक है, इन चीज का आपने ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस कर लीजिए। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑफ अ जर्नी बाय अ बस, you may use the following outline of points, a bus journey to Shimla and the bus was over and crowded, यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपने क्या है अपना पैराग्राफ ये कंप्लीट करना है, जर्नी बाय अ बस। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, राइट अ पैराग्राफ नरेटिंग योर एक्सपीरियंस अ स्ट्रीट कॉल, यू मे यूज द फॉलोइंग आउटलाइन ऑफ पॉइंट्स, यानी कि आपका जो ये कोई चैप्टर होगा उससे रिलेटेड होगा और इसी से आपने क्या है ये आउटलाइंस लिखनी है। और यहाँ पर ये जो आपका मार्क्स जो है ये 9 मार्क्स का आया है आपको, ये देखिए यहाँ पर। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज योर 5th क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर, और ये आपका 4 मार्क्स का है यहाँ पर। एंड देन आपके पास सेक्शन सी आ जाता है जो ग्रामर है आपका, उससे रिलेटेड आपका ये पोर्शंस हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस जो है, कनेक्टर्स जो है किस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें आपने प्रॉपरली फिल करना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपके टेंसेज दिए हुए हैं, तो आपने 3 मार्क्स के टेंसेज आ रहे हैं, तो अच्छे से आपने अपने टेंसेज को कवर करना है। और साथ में यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड में आपका 5 मार्क्स का रहा है, तो आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, टेंसेस कवर करने हैं, डू एज डायरेक्टेड वॉइस, एंड वो चीज़ आपने पूरा क्या करना है कवर करना है। और साथ में ये देखिए मॉडल्स है, ये देखिए यहाँ से आपको ना आइडिया हो रहा है कि आप कौन सी चीज़ को कवर कर सकते हैं। ये देखिए 2 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्या है ये मॉडल्स आए हैं। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर इज़ अ वर्ड मिसिंग इन ईच लाइन सेंटेंस, राइट द मिसिंग वर्ड अलोंग विद द वन दैट कम्स बिफोर, यहाँ पर ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ये देखिए। ओके, सेक्शन डी में आपका लिटरेचर्स आ रहा है और इसमें फर्स्ट आपका पैसेज है और इसको रीड करना है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई है कि जो भी आपके पैसेज में उसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना, खुद से कोई आंसर नहीं करना है, यानी कि ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट जो चीज़ आपके पैराग्राफ में दी है उसी का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस रहते हैं आपके और ये आपका रहता है 5 मार्क्स का। ओके, 12th क्वेश्चन है, दैट इज रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, यहाँ पर आई थिंक ये आपकी पोइम है, पोइम में से पैराग्राफ लिया गया है और उसी में से आपने क्वेश्चंस वो करने हैं, इनका आंसर्स देना है, और ये आपका 3 मार्क्स का है। ओके, देन आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी आएंगे, ये देखिए, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 एंड 100 वर्ड्स, एंड जो भी क्वेश्चन है आपके लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं ये इसमें आएंगे। और ये आपका 5 मार्क्स का है। मैं एक चीज़ और आपको टिप्स देना चाहती हूँ, जब भी आप इंग्लिश का प्रिपेयर करें तो आप उस पर जो है रट्टा ना लगाएं, पहले आप पूरा लेसन अच्छे से समझिए, उसके बाद जो है अपनी ग्रामर जो है वो आप थोड़ी सी करेक्ट कीजिए और ओन वर्ड्स में जो चीज़ें दी हुई है उसमें समझ के फिर उसको आप खुद लिखिए और खुद उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने भी ये गलतियाँ की हैं कि हम रट्टे लगाते थे और हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को समझते थे, हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम वर्ड मीनिंग पे ध्यान दें या फिर हम अपने चैप्टर पर ध्यान दें, उस चीज़ को समझें। तो बेटर होगा कि आप अपने चैप्टर को अच्छे से समझें और जो वर्ड मीनिंग है उसको सर्च करिए डिक्शनरी में। ओके, तो 14th आ गया आपका क्वेश्चंस आ गए और इसमें आपको वर्ड्स कितने लिखने हैं, 30 to 40, एंड व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ अ स्नो, जो भी आपके बुक है उसी में से आएंगे आपके ये क्वेश्चंस। ओके, और एक चीज़ और है कि जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं तो दैट नॉट मीन्स कि वही क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट ईयर्स में भी आएंगे, या आपके पास एक डेमो हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर करना है और इस तरीके से हमारे का इस जो हमारा भाग है ग्रामर का वो इतने मार्क्स का आ रहा है और मतलब इससे रिलेटेड ये चीज़ें आ रही है। ये इसका मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन आया है तो यही क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ईयर में भी आएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसको देख के हम क्या है अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं कि कहाँ जैसे हम कितने मार्क्स किस पोर्शन में हम अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो ये 8 मार्क्स का है आपका ये क्वेश्चन। दैन 16th आपका आ गया ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ अ बोली, जो भी आपका वहाँ पर स्टोरीज होगी उसी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन आपके पास है। गॉट इट। तो ये रहा आपका इंग्लिश का 2020 का क्वेश्चन पेपर, और बाकी मैं भी आपका मैथ्स का भी लेकर आती हूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और कंप्यूटर क्लासेज मैं वैसे ही आपकी करवा रही हूँ, बाकी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं किसी की हेल्प लेके आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी, अगर आप बोलेंगे तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन पे बिल्कुल भी क्लिक करना ना भूलिएगा करिएगा क्योंकि उसमें आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती रहेगी जैसे मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।